नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आनंद कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज के दी करंट अफेयर्स में दिन भर के जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट यानी ये करंट अफेयर्स होंगे उन सब का हम यहां एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मंडे टू फ्राइडे हम प्रत्येक रात को 9 बजे इस दी करंट अफेयर शो में हम दिन भर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को एनालिसिस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे का मतलब ये नहीं हुआ कि सैटरडे और संडे के इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं, उसका एनालिसिस हम सोमवार को जो करंट अफेयर शो होता है उसमें हम उसका एनालिसिस जरूर करते हैं। तो आज सोमवार है और आज इसका 6वां एपिसोड है, तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है कि कोविड-19 जिस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया है और जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है इसका वैक्सीन बनाने को लेकर, चाहे इंडिया के दावे को देख लें या फिर चीन के दावे को देख लें या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दावे को देख लें, तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसके वैक्सीन को लेकर बहुत जल्दबाजी में है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द है। अब रिसेंट में न्यूज़ ये है कि रशिया ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और उसका फाइनल क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जब किसी वैक्सीन का फाइनल क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू हो जाता है। तो रशिया की तरफ से ये काम किया है सेचनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। इसी का दावा है कि इसने फाइनल क्लिनिकल ट्रायल जो है कोविड-19 वैक्सीन का कर लिया है। सबसे पहला जो क्लिनिकल ट्रायल था वो 18 जून को किया गया था, इसके अनुसार 18 वॉलेंटियर्स के ऊपर। उसके बाद इसने 23 जून को 20 वॉलेंटियर के ऊपर में जो है इसका ट्रायल किया गया, उसके बाद दावा किया गया, उसके बाद आगे के भी ट्रायल किए गए और उसके बाद अब फाइनल दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो फाइनल क्लिनिकल ट्रायल के बाद रशिया के इस यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। और अभी वर्तमान समय में आपको कोविड-19 का हालत पूरी दुनिया में किस प्रकार से है वो बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पर 12 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से और लगभग 5 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में कोविड-19 की वैक्सीन की सिचुएशन क्या है, तो आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले ही कोवैक्सीन नाम का एक जो हमारे देश का पहला वैक्सीन है वो सामने आया था। उस पर भी कहा गया था कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इस वैक्सीन को लेकर भी हुए हैं। इसे बनाया गया है भारत बायोटेक की तरफ से, तो ICMR भी इसमें लगा हुआ है। और ICMR की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त तक हम मार्केट में कोविड-19 का वैक्सीन इंडिया में उतार देंगे। तो इंडिया में भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो प्रोसेस है वो लगातार चलता आ रहा है। लेकिन दुनिया में रशिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ये फाइनल किया है कि उसने क्लिनिकल ट्रायल जो है फाइनल कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है। एक्चुअली चलिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये जो पूरा काम, अगर किसी वायरस का वैक्सीन बनाया जाता है या किसी बीमारी का वैक्सीन बनाया जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से चलता है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई बीमारी आया तो उस पर रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल भी 3-4 लेयर में होता है, पहले 5 से 8 लोगों पर होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो है वो जानवरों पर किया जाता है और क्लिनिकल ट्रायल में पहले 5 से 8 लोगों पर किया जाता है, फिर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं, फिर और नंबर्स इंक्रीज किए जाते हैं और जब क्लिनिकल ट्रायल फाइनल हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है इस पर कि हाँ अब आप अप्रूव्ड हो, अब आप इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हो, वैक्सीन बना सकते हो। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वैक्सीन का प्रोसेस होता है। तो अगर आप देखोगे कोविड-19 के वैक्सीन में तो इसमें सबसे आगे अभी प्रेजेंट टाइम पर चाइना को कह सकते हो, इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कह सकते हो, अमेरिका भी क्लिनिकल ट्रायल पे चल रहा है, भारत में इसमें भी कहीं ना कहीं आ गया है और अब रशिया भी इसमें आ चुका है। हम लोग बात कर रहे थे IM सेचनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी जान लीजिए।
ये रशिया का सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना इसको यूनिवर्सिटी कह सकते हो, इसको 1758 में बनाया गया था। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है, इस फैसले को हमें ध्यान से समझना चाहिए, इस फैसले पे हमें विचार भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसले में कहा है कि अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसे सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन के लिए, जैसे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसे भी उस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक्चुअली देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था, उसी में उन्होंने ये फैसला सुनाया है। एक्चुअल में कहूं तो 2012 में एक जजमेंट आया था दिल्ली हाईकोर्ट का, और अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में रोहिंगन फली निर्मण जो है इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट वाला जो जजमेंट है वो क्या था, उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का वो जो फैसला था वो था अनुमल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी में। अनमोल भंडारी जो कि शारीरिक रूप से विकलांग था, आप उसे 50% तक विकलांग कह सकते हो शारीरिक रूप से, उसने दिल्ली टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक याचिका दायर किया था दिल्ली हाईकोर्ट में। उस याचिका में उसने कहा था कि उसे डिप्लोमा के लिए एडमिशन नहीं दिया गया, उससे भी कोटा दिया जाना चाहिए जैसे सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाता है, एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, उस कैटेगरी में उसे नहीं दिया गया है। तो उसने दिल्ली टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके खिलाफ उन्हें उसने याचिका डाला दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका में जब फैसला सुनाया तो उसे कहा गया, उसमें कहा गया कि शारीरिक रूप से पिछड़ा वर्ग का इंसान को भी जो है सामाजिक पिछड़े वर्गों में रखना चाहिए और उस ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो अब वही 2012 का जजमेंट जो था वो पंजाब हाईकोर्ट में भी गया, हरियाणा हाईकोर्ट में भी गया, तो उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था उसको बरकरार रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है या फिर विकलांग है तो उसे भी वो सुविधा मिलना चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान से समझ कर रखिएगा कि 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से कोई जजमेंट दिया है। किसकी अध्यक्षता के बेंच में? रोहिंगन नरीमन जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं की अध्यक्षता में ये फैसला दिया गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकेशन न्यू दिल्ली। फाउंड यानी कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 पार्ट 5 में इसका उल्लेख किया गया है, और मैक्सिमम जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 हो सकती है। चलिए यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि सामाजिक भेदभाव के आधार पर हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, इंडिया मूव्स अप अ रैंक बिकम सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूके। यूके में इंडिया का जो एफडीआई है वो सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है। पहले कौन सा था? थर्ड। अब कौन से रैंक पे पहुंच गया है? सेकंड। तो वन डे एग्जाम के लिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। यूके में इंडिया का एफडीआई जो है वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ऑब्वियस सी बात है, यूएसए का इन्वेस्टमेंट यूके में सबसे ज्यादा है। इंडिया का 120 प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूके में है। कब तक? 2019 तक। और लगभग 5429 वहां पर लोगों को जॉब दिया जा रहा है ये 120 प्रोजेक्ट्स के तहत, और ये आंकड़ा 2019 का है, ठीक है।
अगर 2018 और 19 में देखोगे तो यूके में अगर इंडिया का इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग 1800 के आसपास में वहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया, लोग जो कि एफडीआई का 4% लगभग ज्यादा था, यानी कि उसमें 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसी साल अमेरिका का जो लगभग है 460 के आसपास में इन्वेस्टमेंट था यूके में, और लगभग 20,200 समथिंग के आसपास वहां पर न्यू जॉब क्रिएट्स हुए थे 2018 और 19 में इसी रिपोर्ट के आधार पर। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर बस इतना याद रखिएगा कि यूके में इंडिया का इन्वेस्टमेंट के मामले में यानी कि एफडीआई के मामले में सेकंड रैंक पे है, वनडे एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ में एमओयू साइन किया है। ये एमओयू साइन इसलिए किया गया है कि अगर मान लो सपोज कि आपका बाइक चोरी हो जाता है या फिर आपकी कार चोरी हो जाती है, तो अमूमन इंडिया में जितने भी बड़े क्राइम्स होते हैं ना वो गाड़ियों से क्राइम होते हैं, गाड़ियों की मदद से होते हैं। तो एक राज्य का गाड़ी दूसरे राज्य पहुंच जाता है और जब क्राइम हो जाता है तो पता चलता है कि दूसरे राज्य का गाड़ी है, और जब उस राज्य में वो गाड़ी पहुंच जाता है वहां पर क्राइम होता है तो फिर पता चलता है कि इस राज्य का है। तो ये एमओयू ये करेगा कि अगर ये गाड़ी इस राज्य का है तो एक ऐसा यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि तुरंत पता लगाया जा सके कि ये गाड़ी कहाँ का है और किस जगह से आया है या फिर कहाँ से चोरी हुआ है, सीसीटीवी ये सब सारे इकट्ठा करके तुरंत पता लगाया जा सके ये गाड़ी आखिर है कहाँ की। तो इससे होगा ये कि क्राइम की संख्या को कम किया जा सकता है, इसीलिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से इस एमओयू को साइन किया गया है, जो एक्चुअली में ये पूरा कंटेंट इसी पर आधारित है। और पूरा डेटाबेस तैयार करने के लिए इसमें टोटल 14,000 पुलिस स्टेशन को जोड़ा जाएगा। सबसे पहली इसकी अवधारणा पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम 2009 में रखी गई थी, इसने अब इस अवधारणा को लागू किया जा रहा है और ये लगभग जो है आपका 31st of December से उम्मीद किया जा रहा है ये पूरे देश भर में लागू हो जाएगा इस एमओयू के बाद। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आज के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। गूगल ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में वो 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा और गूगल का ये जो इन्वेस्टमेंट होगा कुल 4 प्रोजेक्ट्स के लिए होने वाला है, और गूगल का ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो टोटल 4 प्रोजेक्ट के लिए होगा और यह गूगल का इन्वेस्टमेंट 5 से 7 सालों के लिए होगा। अमाउंट याद रखिएगा 75,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। और हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मीटिंग भी हुआ, उसके बाद इस पर फाइनलाइज किया गया है कि 4 प्रोजेक्ट पे 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये 4 प्रोजेक्ट किस प्रकार से होंगे, तो सबसे पहला है कि इंडिया के लोगों को उनकी भाषा में उनके हिसाब से सूचना प्रदान किया जा सके, इस पर काम किया जाना है गूगल की तरफ से। सबसे पहली बात ये हो गई। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, इंडिया के हेल्थ सेक्टर में, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए, सेकंड इन्वेस्टमेंट इस पर होगा। इसके बाद इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट पर यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, अलग अलग पार्टनरशिप अगर होते हैं तो उस पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करने का जो जिम्मेदारी है वो गूगल की तरफ से होगा, यानी कि गूगल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान करेगा सारे इन्वेस्टमेंट जितने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर। और इसके अलावा जो चौथा है, नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज प्रदान करना, ये भी गूगल के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये जो 75,000 करोड़ रुपए का फंडिंग है इसका नाम याद रखिएगा, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इसको याद रखिएगा, ये 75,000 करोड़ रुपए का है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा दी करेंट अफेयर शो। हमारे दी करेंट अफेयर शो से बने रहिएगा, आप लोगों को पता है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हो, लेकिन फिर भी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।